बीआरबी से निकाली जाने वाली ये नहर 60 मील दूर तक का इलाका सैलाब करती और शहर के माथे पर एक झूमर की तरह लगती है। नहर लाहौर का हुस्न है, इसके दोनों तरफ गुंजान आबादियां बसती हैं। शहर की तरफ आने जाने और इन बस्तियों के माबैन रबते के लिए हुकाम ने पुलियां बना रखी हैं। इनमें से अक्सर अपनी मायाद पूरी करके अब बदसरनों तामीरों मरम्मत का तकाजा करती नजर आती है। मस्कीनपुरा की ये पंच पीर पुली बगैर जंगले किसी हादसे को दावत दे रही है। यहाँ से सुबह शाम गुजरने वाले धड़कते दिल से दूसरी तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। बड़े चिर दिया बनी है, हुकूमत नूं चाहिदा भी इहदे ते मेहरबानी करे ते आसानी करे। इत्थे कोई नुकसान भी हो सकदा, कोई डिग भी सकदा है। क्या ये वाकई पुली है? इसे देखकर हर जेहन में सवाल उठता है। इसे सलीम पुली कहते हैं, जो फतेहगढ़ और मेहर फयाज कॉलोनी में राबते का वसीला है। लोग इसे खातर में लाए बगैर गुजरते रहते हैं। इससे जरा आगे बढ़े तो मरूफ और मसरूफ तरीन अजीज पुली आती है, जहाँ ट्रैफिक का निजाम अक्सर जाम रहता है। अजीज पुली से कोई पैदल चलकर दिखाए तो उसका ये बड़ा कारनामा तसव्वुर होता है। ये जो पुली है आमदोरफ्त के लिए छोटी है, इसको वसी किया जाए और साथ में जो पैदल आवाम गुजरती है उनके लिए फुटपाथ होना चाहिए। रोड्स हैं, सड़कें हैं या इनके पुल्स ब्रिज हैं, वो प्रॉपरली तरीके से नहीं, यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है बिल्कुल इसी पे ध्यान नहीं दिया जाता। नहर पर ये राबता पुलियां जनूबी और शमाली लाहौर को एक दूसरे से मिलाती हैं। लोग भी एक से दूसरी जगह आसानी के साथ नकलो हरकत कर सकते हैं। ये पुलियां ना हो तो वो एक दूसरे से मिलने को कई दिन तक तरसते रह जाएं। मुगलपुरा से हरबंसपुरे तक नहर पर राबता पुलियों की हालत साथ इंतहाई मखदूश हो चुकी है। मुतल्लिका अदारों ने अगर इन पर फौरी तवज्जो ना की तो किसी भी वक्त कोई हादसा रूनमा हो सकता है। कैमरा मैन रिजवान अली के साथ अख्तर हयात, सिटी 42।